गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज भी जो है हम पांच सिनोनिम्स, पांच एंटोनिम्स, पांच विलोम और पांच जो है पर्यायवाची करेंगे इस वीडियो में। जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो, और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए पहला देखिए, सिनोनिम्स में पांच आज हम क्या देखने वाले हैं। राइट का जो पहला हमारा क्वेश्चन है, राइट, राइट का सिनोनिम्स होता है करेक्ट। ये तो सिंपल है, राइट हम लोग बोलते हैं और राइट, तो ये तो सिंपल है। एप्रीहेंडेड, एप्रीहेंडेड का मतलब होता है हथकड़ी लगाना, तो सिमिलर क्या है, अरेस्टेड। कॉन्शियल, यहाँ पे ए है गाइस, देखिए CONCEAL होगा, तो कॉन्शियल का मतलब होता है छिपाना, तो उसका जो है हाइड हो जाएगा सिनोनिम्स। ब्रिस्क का मतलब होता है बहुत तेज, फुर्तीला, तो ब्रिस्क का भी जो हमारे सिनोनिम्स हो जाएगा क्विक। कॉन्डोन का जो है हमारा हो जाएगा ओवरलुक। अब देखिए, अब एंटोनिम्स पे आते हैं, उसमें क्या है हमारा पहले स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब पता है क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है जैसे नहीं होते बहुत ज्यादा रूड होते हैं लोग, बहुत ज्यादा मतलब बदतमीज टाइप के, इस टाइप के जो लोग होते हैं एकदम, हाँ वही बदतमीज टाइप के आप कह सकते हैं, तो उसका एंड उनका जो उसका विलोम क्या हो जाएगा, ह्यूमैनिटी, जिनके अंदर मान्यता हो। सेकेंड क्या है हमारा, फैट। फैट मतलब आपको पता है मोटा, तो लीन मतलब जो है आपका पतला हो जाता है। प्रोमिनेंट मतलब आपको मैं बता देती हूँ, प्रोमिनेंट का मतलब होता है कि जैसे कि किसी को प्राथमिकता देना, जैसे नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा दिस इज मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग, तो प्राथमिकता होता है। और वही ऑब्सक्योर मतलब हो जाता है आपका, मतलब प्राथमिकता ना देना, ठीक है, मतलब वही समझ जाइए। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने छोटा सा लिख रखा है, रूड, रूड होना, बहुत ज़्यादा क्रूर टाइप का होना। और सबमिसिव का क्या हो जाता है आपका, हम्बल होना। ऐसे ही जो फाइव वाला है आपका, फाइव वाला एंटोनिम से परमिट है, परमिट का मतलब जानते हैं, परमिशन दे देना। और वही फॉरबिड मतलब रोकना। चलिए इसी बात पे जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब आते हैं अपने विलोम पर। अब देखिए विलोम में पांच विलोम हम कौन कौन से करेंगे। उज्ज्वल, उज्ज्वल का मतलब समझते हैं कि मतलब तुम्हारा भविष्य बहुत उज्ज्वल होगा, एकदम तुम्हारा भविष्य साफ है कि तुम हाँ उन्नति करोगे ऐसा, तो उज्ज्वल है। और उसका जो विलोम है आपका धूमिल, मतलब धुधला। दूसरा क्या है, अवनीति, अवनीति, अवनीति का मतलब देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है गिरावट, और अवनीति का जो उल्टा हो जाएगा उन्नति, उन्नति मतलब बढ़ोतरी होना। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि मतलब अति मीन्स अत्यधिक, ज्यादा, और वृष्टि मीन्स बारिश, ज्यादा बारिश। और अल्पवृष्टि, अल्प मीन्स याद रखिएगा कम होता है, अल्प मीन्स कम, और वृष्टि मीन्स बारिश, कम बारिश। अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है एकदम फ्रेंडली टाइप का रहना, देखिए यहाँ पे मैंने छोटा सा लिख भी रखा है फ्रेंडली टाइप का। और वही उसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रतिकूल, विरोध में। अल्प आयु, अल्प आयु मतलब, अल्प मतलब मैंने पहले ही बता दिया आपको यहाँ पे कि कम होता है, और आयु मतलब जिसकी आयु कम हो। दीर्घ आयु, दीर्घ आयु मतलब लंबी आयु। चलिए विलोम भी हमने कर लिया, पांच जो है हम अपना, पांच हम अपना ये सिनोनिम्स कर लेते हैं पर्यायवाची हिंदी का। सबसे पहले मेरा हमारा पर्यायवाची है फल, मतलब जानते हैं नतीजा, अंजाम। सुंदर का भी चारों लर्न कर लेंगे, चारु, ललित, रमणीक, रुचिर। शशांक का क्या हो जाएगा, निशाकर, राकापति। और गृह का घर हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, निकेतन हो जाएगा। यमुना का सबसे ध्यान रखिएगा, ये देखिए इनको, यमुना को सूर्य सुता मतलब सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। कृष्णा सूर्य सुता, सूर्य तन्या, कालिंदी और अकर्जा, ये याद रखिएगा। ये थे हमारे आज के पांच सिनोनिम्स, पांच एंटोनिम्स और पांच जो है हमारे पर्यायवाची। आशा है वीडियो अच्छा लगा हो, और हम हमेशा कल जो है हमारा डेट हार्ड रहेगा। गुड बाय।